गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ महाजनपदा टॉपिक का। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑल्सो प्लीज गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज मिलेंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। सो ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम लोग जो बाकी की बची में मोनार्कीज थी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, बाकी की बची मोनार्कीज वो हम लोग महाजनपदा के ये सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। प्लस हम लोग रिपब्लिक की कुछ देखेंगे, जो कुछ रिपब्लिक्स थी महाजनपदा टाइम के उस वो देखेंगे। एंड हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द महाजनपदा, ये हम देखेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। सो ये पहले हम ये मैप है, इस मैप के रिस्पेक्टिव में इस मैप को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे ताकि हमें लोकेशंस का भी पता चलता रहे कि हमें कोई भी लोकेशन से भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो ये मैप हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाउ लेट स्टार्ट, पहले हम लोग अवंती पढ़ते हैं। सो जो अवंती है वो हमारा वेस्टर्न इंडिया का एक किंगडम है, ठीक। अब बुद्धिज्म के टाइम पे क्या था कि चार मोनार्कीज थी, कोसला, वत्सल, मगध एंड ये अवंती। तो ये जो चार मोनार्कीज थी ये बहुत ही ग्रेट मोनार्कीज थी बुद्धिज्म के टाइम पे, ठीक है। और अवंती हमारा ये प्रेजेंट डे एरिया ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवा में है, नीमर एंड अडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एंड अवंती जो है वो डिवाइडेड है नॉर्थ एंड सदर्न पार्ट बाय रिवर बेत्रावती से, जो अवंती है वो हमारा डिवाइडेड है। फिर अगर हम देखते हैं सो जो उज्जैनी है, ठीक है, ये हमारी नॉर्थ कैपिटल हो गई अवंती की, एंड महिष्मती ये हमारी सदर्न कैपिटल है अवंती की। बट बाद में क्या हुआ, महावीर और बुद्धा के टाइम पे जो उज्जैनी थी ये एक इंटीग्रेटेड कैपिटल बन गई अवंती की। अब एक और चीज यहाँ पे आती है कि जो महिष्मती और जो उज्जैनी है ये हमारा दक्षिणपथा पे रहता है, ठीक है, लोकेट है, मतलब सदर्न साइड जो है हमारा वहां पे लोकेटेड है। और ये राजगृह से प्रतिष्ठाना मॉडर्न पैथन, मतलब राजगृह हमारा कहाँ हो गया, बिहार, प्रतिष्ठाना या पैथान हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो ये वहां से बिहार से लेके ये हमारा महाराष्ट्र तक हमारा एक्सटेंड करता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि अवंती हमारा क्यों एक तरीके से इम्पोर्टेंट बन गया, तो हम इसकी मदद से, मैप की मदद से ये देख सकते हैं कि सी अवंती हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब उज्जैनी नॉर्दर्न कैपिटल, महिष्मती सदर्न कैपिटल, बाद में उज्जैनी इंटीग्रेटेड कैपिटल हो गई। सो अगर देखे तो हमारा पैथान, मतलब ये हमारा महाराष्ट्र इधर हो गया, ठीक है, वेस्टर्न एरिया में ये पूरा कवर करता है, ठीक है, प्लस महाराष्ट्र कवर हो गया। फिर इस साइड हमारा ये, इस साइड हमारा जो है राजगृह से भी इसका थोड़ा रिलेटेड है, इतना थोड़ा यहाँ तक भी ये फैला हुआ है। सो ये यहाँ से एंड प्लस इसका जो मेन इसके पास है वेस्टर्न इंडिया का, इसके पास पूरा जो वेस्टर्न इंडिया का है इसके पास ये पूरा है, ठीक है, ट्रेड का। प्लस अगर हम नीचे आएंगे महाराष्ट्र पोर्शन की साइड, यहाँ पे हमें बारू कच्छा दिखता है, ठीक है, बारू कच्छा या बरोज। तो ये हमारा एक तरीके से ट्रेड रूट था महाजनपदा के टाइम का, जो ट्रेड रूट था वो बारू कच्छा या इसको बारूच भी बोलते हैं, ये हमारा ट्रेड रूट था। सो अब ये उसको मेजर ट्रेडिंग पॉइंट जो था वो भी हमें मेजर ट्रेडिंग पॉइंट जो था वो भी अवंती को मिला। सो एक तरीके से ये हमारा एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट हो गया। तो इनकी जो इकोनॉमी थी ये भी बूस्ट करी बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग। तो इसकी वजह से हमारा ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम में या ग्रेटेस्ट महाजनपदा में हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। फिर अगर हम आएंगे तो अवंती एक इम्पोर्टेंट सेंटर था बुद्धिज्म का, और जो अवंती हमारा एक बुद्धिज्म के राइज के लिए, जब उसके बुद्धिज्म के राइज के लिए ये अवंती एक सिग्निफिकेंट था। प्लस कुछ थेरा थेरीज यहाँ पे बॉर्न हुए थे, दे रिसाइडेड हियर, सो दैट्स व्हाई बुद्धिज्म अवंती एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो गया था। फिर यहाँ पे एक क्या थे जो लेजेंड उदयान और वासवदत्ता है वो हमारे अवंती से ही रिलेटेड है। एक ग्रेट पोएट थे भास, ठीक है, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था स्वप्नवासवादतम, ठीक है, क्या था, स्वप्नवासवादतम एक ड्रामा था। वो हमें लव स्टोरी बताते हैं वत्स किंग उदयन की एंड वासवदत्ता जो हमारी डॉटर थी अवंती की, चंद्रद्योता। तो वत्स किंग हमने देखा है उदयन ही डिड, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस इधर भी की अवंती के साथ और उधर मगध के साथ भी की टू कीप हिज किंगडम से। सो जो वत्स किंग थे उदयन एंड जो वासवदत्ता जो थी डॉटर जो थी
अवंती किंग चंद्रपद देवता के, उनके स्टोरी लव स्टोरी के बारे में स्वप्न वास्वदातम के में बताया गया है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर अगर देखेंगे तो जो चंद्र प्रद्योता थे वो कंटेम्पररी थे बुद्धा के एंड उदयन ऑफ कौशाम्बी, और चंद्र प्रद्योता बाद में बुद्धिज्म में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। फिर जो अवंती था, जब किंग नंदीवर्धन जो बने थे, अवंती के रूलर जब बने थे, तो उनको किंग शिशुनाग जो थे मगध के, उन्होंने डिफीट कर दिया था। तो लेटर क्या हुआ, जो अवंती क्या हुआ, अवंती वॉज एनेक्स्ड बाय दी मगध। ठीक है, अवंती एनेक्स्ड हो गया था मगध, मगध ने अवंती को एनेक्स्ड कर लिया था। वेन नंदीवर्धन अवंती वॉज द रूलर, उस टाइम पे अवंती एनेक्स्ट हो गया था, वो मगध में जाके मिल गया था। फिर ये हमारा अवंती के बारे में हुआ, ये हमने ठीक है अवंती अवंती के बारे में हमने ये पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गांधार के बारे में, ठीक है, कि गांधार के बारे में इसमें पढ़ते हैं। सो जो गांधार ठीक है, फिर मूजवंश, अंग और मगध, ये जो चार नाम है ये हमें अथर्वेद में दिखे, बट इनको डिस्पाइज्ड पीपल, मतलब इनको इतनी वैल्यू, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इनको लोग डिस्पाइज करते थे, दे डिडंट लाइक दीज पीपल। सो ये जो चार लोग थे ये हमने अथर्वेद में देखा। अब गांधार जो है उसमें वो उत्तरापथर डिविजन है ऑफ पुरानिक एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। मतलब अगर हम देखते हैं मैप में, अगर हम इधर मैप में देखते हैं, सो ये उत्तरापथा हमने पढ़ा, दक्षिण पथा मीन्स साउथ, उत्तरापथा हमारा नॉर्दर्न रीजन हो गया। सो नॉर्दर्न पार्ट में क्या था कि जो नॉर्दर्न पार्ट था एंशियंट इंडिया का, तो उसमें जो है उसको उत्तरापथा बोला गया, उसमें दो महाजनपद आती थी, एक कंबोज आती थी और एक गांधार आती थी। ये दोनों हमारा उत्तरापथा रीजन में हमारा ये दोनों आती थी, ठीक। प्लस जो गांधार थी वो हमारा जो कूबा रिवर, काबुल जो रिवर था उससे एक्सटेंड होते वो इंडस रिवर तक वो पूरा मिलती थी। और अगर हम देखेंगे प्रेजेंट डे गांधार कहाँ पे है, तो प्रेजेंट डे गांधार हम लोकेट कर लेते हैं काबुल वैली, ठीक है, अफगानिस्तान एरिया में हो गया, पेशावर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। तो ये हमारा प्रेजेंट डे गांधार महाजनपदा का ये प्रेजेंट डे लोकेशन है, ठीक। एंड कंबोज एंड गांधार को हम लोगों ने उत्तरापथा डिविजन में, उत्तरापथा साइड हमने बोला है, ठीक है, कि उत्तरापथा डिविजन में कंबोज और गांधार आते हैं। और गांधार की मतलब उस साइड में रहने की वजह से, ऊपर नॉर्दर्न साइड में रहने की वजह से उसमें कल्चरल कॉन्फ्लुएंस और इंटरनेशनल ट्रेड, यू नो, ये काफी कुछ हमें देखने को मिला था इस साइड में। फिर जो अगर हम देखेंगे तो ये मॉडर्न कश्मीर एंड एक्सटेंड अप टू काबुल वैली, ये पढ़ लिया। फिर एत्रिया ब्राह्मणा में जो किंग नगाना जित है गांधार के, वो कंटेम्प्रेरी है राजा जनक विदेहा के। अब जो गांधार है वो सेटल्ड है हमारा वैदिक टाइम में अलोंग द साउथ बैंक ऑफ रिवर कूबा, जो मैंने बताया था, एंड वो टिल इंडस रिवर तक चलते हैं, ठीक। बाद में फिर गांधार ने क्रॉस कर लिया इंडस को एंड उसने नॉर्थ वेस्ट पंजाब में अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। फिर जो हिकैटियस ऑफ मिलिटिस थे उन्होंने रिफर किया कि उन्होंने ये बोला कि जो कसापा पायरोस है या कश्यपुरा जो है, जिसको हम कश्मीर बोलते हैं, वो गांधारिक सिटी है। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि जो कश्मीर है वो गांधार की सिटी है, ठीक। और एक गांधार जातिका थी, उसमें भी ये बोला गया कि जो गांधार है वो यू नो कश्मीर किंगडम का उसने एक पार्ट फॉर्म किया, और वो जातिका के अकॉर्डिंग चंदहारा जो है वो गांधार के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था चंदहारा। नेक्स्ट, गांधार महाजनपदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इंक्लूडेड टेरिटरीज इन ईस्ट अफगानिस्तान, टोल्यू अफगानिस्तान, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब, जो हमारा मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट आ गया पेशावर का, जिसको हम कुशापुरा एंड रावलपिंडी। फिर कैपिटल क्या है, तक्षशिला, प्राकृत में तक्षशिला। वी ऑल नो दैट जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत ही रिनाउंड सेंटर है लर्निंग का इन द एंशियंट टाइम्स, और उसने बहुत सारे स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अब उस साइड उसकी लोकेशन ही ऐसी थी कि वहां से उसको काफी लोग वहां पे अट्रैक्ट होते थे, काफी लोग वहां पे आते थे, ठीक है। इसीलिए एक जगह और बोला गया है कि ये जो मतलब जो गांधार हो गया उसके जो लोग हैं वो कॉग्नेट, मतलब वो लिंग्विस्टिकली वो रिलेटेड है कुरू से, कंबोज से, यू नो गांधार से, भलिकाजी लोग, यू नो कॉग्नेटली या लिंग्विस्टिकली ये लोग रिलेटेड है, एंड इन ऑल जो है इसमें कुछ ईरानियन एफिनिटीज भी हैं। सो ये बोला गया। सो यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे बहुत सारे यू नो कमर्शियल एक्टिविटीज
कमर्शियल एक्टिविटीज जो होती है यहाँ पे होती है, तो अलग अलग जगह से जब लोग आते हैं, ठीक है, अगर आप भी सोचो कि अलग अलग जगह से जब एक जगह लोग आएंगे सो वहां पे क्या होगा, अलग अलग जगह की अपनी कल्चरल एक्टिविटीज भी लेके आएंगे, तो जब वो कल्चरल एक्टिविटीज लेके आएंगे तो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस होगा। सो एक तरीके से यहाँ पे तक्षशिला बहुत ही रिनाउंड सेंटर बना, बहुत ही लोग यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज, यू नो ट्रेड हम लोग यहाँ पे काफी हम देख सकते हैं इस रीजन में। ठीक, यहाँ के जो लोग थे ये हाईली ट्रेन्ड थे इन द आर्ट ऑफ वॉर। फिर जो संस्कृत के ग्रामेरियन थे पननी, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, एंड कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, वो इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे। फिर अगर सिक्स सेंचुरी की बात करेंगे तो जो किंग कुकसुति थे या पुष्कराश्रीन जो थे गांधार के, वो बिंबसार जो थे मगध के, उनके कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट, जो तक्षशिला है और जो पुष्कलावती है, ये दो सिटीज हैं गांधार की, एंड इट हैज बीन सेड टू बी नेम्ड आफ्टर तक्ष या पुष्कारा, जो सन थे भारत अ प्रिंस ऑफ अयोध्या। तो जो अयोध्या के प्रिंस थे भारत, उनके दो सन थे तक्ष एंड पुष्करा। तो जो गांधार की जो दो सिटीज है, तक्षशिला और जो पुष्कलावती है, वो इन्हीं के बेटों के नाम पे है। फिर गांधार हमारा ग्रैंड नॉर्दर्न हाई रोड पे है, जिसको मैं बताया उत्तरापथा पे, एंड ये इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटी है कि अब यहाँ पे इस एरिया में मतलब ये ऊपर का जो नॉर्दर्न एरिया है हमारे इंडिया का, वहां पे सिर्फ दो ही हैं, ठीक है, गांधार है, कंबोज है। तो ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में जितने भी ट्रेड जो होंगे वो गांधार के थ्रू होते हुए आएंगे। ठीक, तो इधर से हमारा, ठीक है, इधर से जितने भी ट्रेड्स, इधर से जितने भी ट्रेड्स साइड अफगानिस्तान हो गए, इधर इराक, साउथ ईस्ट, जितने भी सॉरी इराक साइड, इधर जितने भी इस साइड से जो भी ट्रेड हुए वो हमारे क्या हुए, वो गांधार के थ्रू हुए। तो फिर वो इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए गांधार जाना गया। ठीक, फिर इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है एंशिएंट इराक एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ और इराक के साथ ये गांधार एक इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर डॉक्टर टी एल शाह जो थे, उन्होंने बोला कि जो गांधार और जो कंबोज है, ठीक, वो क्या है, वो एक ही एम्पायर से निकले हुए दो प्रोविंस है, एंड ये लोग जो है लोकेटेड है, मतलब जॉइंट देवर यू नो ऑन अ सेम, अगर देखा जाए लोकेटेड ऑन अ सेम पोजिशन, ये एक दूसरे की ये लिंग्विस्टिकली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से कुछ स्कॉलर्स ने ये भी बोला कि जो कुरु, कंबोज, गांधार और भालिकाज हैं, ठीक है, ये लिंग्विस्टिकली रिलेटेड है, एंड इरानियंस की कुछ इरानियंस की यू नो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, सो ये उनके साथ भी एक तरीके से रिलेटेड है। तो ये कुछ स्कॉलर्स ने, ठीक है, फिर डॉक्टर टी एल शाह, इन लोगों ने ये अपनी दो थ्योरीज गांधार के बारे में निकाली थी। फिर गांधार, जैसे पहले बताया कि ये कश्मीर और कंबोज से ये पॉलिटिकली और यू नो लिंक्ड है, लिंग्विस्टिकली लिंक्ड है अपने नेबरिंग रीजन्स। अकॉर्डिंग टू अगर ग्रीक हिस्टोरियन की बात करें कि तो जो हेरिडिटस थे बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ये जो मतलब जो ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरिडिटस, उन्होंने ये बोला कि जो गांधार था वो बाद में क्या हुआ, उसको पर्शियंस ने एनेक्स कर लिया था इन द लेटर पार्ट ऑफ द सिक्स सेंचुरी बीसी। सो उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने अपनी आर्कमेनिड एम्पायर का उन्होंने 12th प्रोविंस क्या किया, गांधार को ही बनाया। ठीक, और अगर हम आगे अगर हमने देखा है कि एक जगह हमने पढ़ा था कि जो गांधार है वो अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस के लिए बहुत जाने जाते हैं। ठीक, वो गांधार फेमस है अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस के लिए जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अरेबियन रीजन्स के, ठीक है, बहुत क्लोज है, और जो अरेबिया और जो सेंट्रल एशिया है वो हॉर्सेस के लिए काफी जाना जाता है, तो गांधार एक तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस के लिए जाना जाता है। ठीक, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो कुकसुति जो किंग थे गांधार के, उन्होंने यू नो कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसार के, तो उन्होंने काफी गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किए थे मगध के साथ, एंड उन्होंने वो जो है यू नो पैदल गए थे बुद्धा को देखने भी। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है हमारे गांधार के बारे में। नेक्स्ट आता है कंबोज। जो कंबोज है वो हमने ऊपर देखा था कि वो भी उत्तरापथा डिवीजन में है ऑफ द पुरानिक एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, एंड ये कंट्री है गांधार के साथ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में, एंड द्वारका उसकी कैपिटल है। ठीक है, इसकी ये कैपिटल, इसकी पूंछ भी कैपिटल बोली गई है। ठीक है, जो पूंछ है वो भी एक कैपिटल है,
एंड जो एविडेंस है महाभारत का एंड पोर्टुलमीज की ज्योग्राफी में, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो कम्बोज है, ठीक है, डिस्टिंक्टली सपोर्ट्स टू कम्बोज, उन्होंने कम्बोज के दो सेटलमेंट बोले हैं, ठीक, जो महाभारत और पोर्टुलमी के अकॉर्डिंग, उनकी पोर्टुलमीज ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो कम्बोज है वो दो में डिवाइडेड था. कम्बोज कॉन्स्टेंटली उसको एसोसिएट किया जाता है गंधार के साथ इन लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शन. फिर जो यक्षकास की निरुक्ता थे उसमें भी कम्बोज के बारे में बताया गया है. निरुक्ता में भी, यक्षकास निरुक्ता में भी कम्बोज के बारे में हमें बताया गया है. फिर एक रॉक एडिक्ट आता है 5th and 13th अशोका के, उसमें योनस मीन्स ग्रीक्स हैं, ठीक है, उसमें ग्रीक्स, कम्बोज और गांधार, इन तीनों को एक साथ मेंशन किया गया है एज अ सब्जेक्ट ऑफ पीपल फॉर्मिंग अ फ्रंटियर रीजन ऑफ हिज एम्पायर. And it is that he sent envoys to Greek rulers in the west as far as Mediterranean, faultlessly naming them one by one. जो rock edict है 5th and 13th उसमें of Ashok उसमें बोला गया है mention the Yonas, मतलब जो Greeks थे कम्बोज और गांधार के साथ उनको compare किया गया, उनको बोला गया है and ये बताया गया है कि ये एक frontier region form करते हैं, ठीक है, मतलब frontier province form करते हैं. एंड वो अपने यू नो जो भी इन्वॉय जो दूत थे वो ग्रीक रूलर्स को भेजते थे, ग्रीक रूलर्स के यू नो दरबार में भेजते थे इन द वेस्ट, मतलब मेडिटेरेनियन सी तक वो लोग अपने इन्वॉयस को भेजते थे. तो ये रॉक एडिक 5th and 13th में ये बताया गया है. बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस हैं, उन्होंने कम्बोज को बोला है कि ये एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी फॉर्म कर. फिर अगर कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात की जाए, अशोक एडिक्स नंबर 13 की बात की जाए, तो उसमें भी कम्बोज को एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है. फिर अराउंड लिटिल 530 BCE इट फेल प्रे टू अटैक ऑफ साइरस जो थे अकमेनिड एम्पायर के ऑफ पर्शिया, ठीक है, उन्होंने कम्बोज को एक्वायर कर लिया था. फिर साइरस फर्स्ट जो थे ये बोला गया है उन्होंने कम्बोज सिटी जो थी कपीसी, जो मॉडर्न बेग्राम अफगानिस्तान रीजन की जो है सिटी, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है. फिर हॉर्सेस ऑफ कम्बोज फेमस है थ्रू आउट ऑल पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गांधार एंड कम्बोज बोथ. फिर सुमंगला विलासनी जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कम्बोज को एज द होम फॉर दी हॉर्सेस. तो ये हमारा हो गया कम्बोज के बारे में. नेक्स्ट अगर हम मत्स्य या माच्छा के बारे में पढ़ेंगे, मत्स्य या माच्छा, सो मत्स्य या माच्छा जो है इसको क्लासिकली, मतलब संस्कृत में मच्छा मतलब फिश होता है, तो क्लासिकली इसको हम लोग मेसे भी कहते हैं. लेट टू साउथ ऑफ किंग ऑफ क्रूज एंड वेस्ट ऑफ द यमुना विच स्प्रेड सेपरेटेड इट फ्रॉम द किंगडम ऑफ पांचाला. ठीक, तो अगर हम मैप में देखते हैं कि ये मैप में किस साइड है, मत्स्य हमारा मत्स्य किंगडम कहाँ पे है मैप में, सो मैप हमारा ये रहा, मैप में मत्स्य ये रहा, ठीक है, मिड में हमारा ये रहा हमारा मत्स्य, विराट नगर जिसकी कैपिटल हो गई हमारी मत्स्य की. ठीक, सो ये जो हमारा मत्स्य रीजन, ये मत्स्य रीजन जो आता है ये हमारा पांचाला हो गया, पांचाल हो गया, ठीक है. सो ये वेस्ट में इधर सॉरी पांचाल के वेस्ट में हमारा मत्स्य रीजन आ गया, ठीक है. उसके बाद कुरु के साउथ में हमारा आ गया ये, एंड ये अगर देखेंगे तो ये प्रेजेंट डे जयपुर अलवर जो हो गया, भरतपुर एरिया जो हो गया राजस्थान का, उस साइड पे ही हमारा मत्स्य रीजन सिचुएटेड है. ठीक, ये हमारा मत्स्य रीजन का विराट नगर इसकी कैपिटल हो गई. ये रफली करस्पॉन्ड करता है जयपुर इन राजस्थान एंड इंक्लूडेड द होल ऑफ अलवर विद पोर्शंस ऑफ भरतपुर. जो मत्स्य थे ये प्रोमिनेंट क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय ट्राइब्स के थे एंड दैट मेड अप द वैदिक आर्यन पीपल इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ देयर रेसिडेंस इन इंडिया. तो जो मत्स्य को क्या बोला गया है, ये प्रोमिनेंट क्षत्रिय ट्राइब है जिन्होंने वैदिक आर्यन, जो हम वैदिक आर्यन लोगों की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे मत्स्य का नाम देते हैं, जो मत्स्य के जो लोग थे वही एक तरीके से वैदिक आर्यन लोग हैं, मतलब उन्होंने उन जो क्षत्रिय ट्राइब्स थी उन्होंने ही मिलकर ये वैदिक आर्यन बनाया है अपना पूरा क्लान. एक हिम है जिसमें रिफर किया गया है मत्स्य जो है उसको, तुर्वासा जो थे, ठीक है, रिफर्स टू द मत्स्य हु वर अटैक्ड बाय तुर्वासा फेमस किंग. ठीक, जो मत्स्य किंगडम जो था उसको तुर्वासा जो थे उन्होंने अटैक कर लिया था, ये हमारा ऋग्वेदिक के अकॉर्डिंग ये हमारा बताया गया है. ठीक, फिर जो कैपिटल है वत्स की वो विराट नगर है, मॉडर्न बैरेट हम बोल सकते हैं, जो हमारा फाउंडर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ विराट. एंड जो सतपथा ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग जो कौष्टकी है, कौष्टकी उपनिषद
Shatapatha Brahmana, Mahabharat, Padma Puran, Vishnu Dharmottara Mahapuran and other texts, उन्होंने mention on the वो मत्स्य मत्स्य kingdom के बारे में ये सारी literatures से हमें पता चला है कि ये सारा ये कौष्टकी उपनिषद शतपथा ब्राह्मणा महाभारत ये सब हमें इन सब में हमें मत्स्य किंगडम के बारे में पता चला है। नेक्स्ट इफ वी सी नेक्स्ट आता है कुरु। तो पुराण्स में जो कुरु का अगर हम देखेंगे तो कुरु ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ कुरु पुराण्स ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ कुरु फ्रॉम कुरु भारत फैमिली कुरु भारत फैमिली से हमें कुरु के ट्रेसेस देखने को मिले हैं। ऐत्रेय ब्राह्मणा में कुरु को हमने मध्य देश मीन सेंट्रल इंडिया बोला गया है एंड ऑल्सो रिफर्स टू उत्तरा कुरुज एज लिविंग बियॉन्ड द हिमालयस। उत्तरा कुरुज मीन्स जो उत्तर साइड नॉर्थ साइड जो हमारा रह गए जो हिमालय के थोड़े पीछे रह गए वो हमने ऐत्रेय ब्राह्मणा में ये बताया गया है कि कुछ कुरुज ने मध्य देश एक्वायर किया कुछ लोगों ने उत्तरा कुरुज कुछ लोगों को बोला गया हिमालय साइड के। तो जो उत्तरा कुरु थे वो देयरफॉर वो पॉपुलेशन जो नॉर्थ ऑफ कुरुज में रहते थे या नॉर्थ ऑफ हिमालयस। फिर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुमंग विलासनी जो लोग थे कुरु राष्ट्र के कुरुज उन्होंने उत्तरा कुरु को फॉर्म किया था। ठीक है वो उत्तरा कुरु से आए थे। ठीक है जो कुरु राष्ट्र जो था कुरुज उनको उत्तरा कुरु बोला गया। फिर अगर हम देखेंगे प्रेजेंट डे कहाँ पे अगर हम इनका बात करेंगे तो जो कंट्री हो गई कुरु की रफली करस्पॉन्डेड टू मॉडर्न थानेश्वर यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली की मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रिवर्स कौन कौन सी होगी अरुणा अशुमती हिरणावती अपया कौशिकी सरस्वती दृषादवती रक्षी वॉश दी लैंड्स ऑफ कुरुज। ये हमारी कुरुज की ये कुछ रिवर्स हो गई। ठीक है एंड ये रफली हमारा जो मॉडर्न थानेश्वर हो गया दिल्ली द्वाब रीजन जो हो गया वो हमारा कुरु थे। ठीक जो कुरु है ये वन ऑफ द एंशियंट प्रोमिनेंट इंडो आर्यन क्षत्रिय ट्राइब है। ये इक्ष्वाकु क्लान से इनको बोल सकते हैं सूर्यवंशी क्लान जो हो गए ये हमारे कुरु क्लान हो गए। जो रिवर अरुणा अशुमती हिरणावती अपाया जो ऊपर है वही वो हमने यहाँ पे देखा है ये सारी रिवर्स एंड अकॉर्डिंग टू जातकाल जो कैपिटल थी कुरु की वो इंद्रप्रस्थी या इंद्रपथा मॉडर्न दिल्ली। हमने एक सिटी के बारे में भी अगर किसी ने महाभारत देखा होगा तो इंद्रप्रस्थ हमने देखा है। ठीक है उसमें हमने इंद्रप्रस्थ के बारे में पढ़ा है दैट वो लेटर बाद में उसको युधिष्ठिर ने जिसको मायावी भी बोला गया इंद्रप्रस्थ को बताया गया था युधिष्ठिर ने ये बाद में बनाया था जब वो अपना उनको राष्ट्र से निकाल दिया गया था तब उन्होंने सिटी ये पूरी बनाई थी एंड एक हस्तिनापुर थी जो हमारा वो तो हस्तिनापुर तो बहुत पहले से जब हम कुरु क्लांस के बारे में देखते थे तो कुरु की राजधानी जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर बोली गई बट फिर इंद्रप्रस्थ एक सिटी बनी सो कुरु की कैपिटल ये हो गई। हस्तिनापुर एक सिटी है महाभारत में जो कुरु स्टेट में लोकेटेड है एंड एरिया जो है अराउंड द कुरुक्षेत्र वो हमारा कुरु महाजनपद है। कुरुक्षेत्र में पता है फेमस वॉर महाभारत वहां लड़ी गई थी। फिर एक एपिक पोयम हो गई महाभारत हो गई उसमें बताया गया है कि जो कैपिटल है बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ द रेनिंग कुरु क्लान। ठीक है महाभारत टेल्स ऑफ अ कैपिटल एक कैपिटल है हस्तिनापुर यहाँ पे ये कैपिटल के बारे में बोला गया है वो हमारी ब्रांचेस है कुरु क्लान। कुरु जो है बुद्धिस्ट पीरियड में वो इतना सेम पोजिशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाए जितना उन्होंने वैदिक पीरियड में किया था बट वैदिक पीरियड में उन्होंने अपना जो विजडम के लिए एंड अपनी इतनी बिकॉज अगर हम महाभारत अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें बताया उसमें दिखाया गया है कि दैट टाइम जो कुरु जो थे वो कितने उस विशाल थे एक तरीके से। ठीक है देवर वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट किंगडम सो उस टाइम पे तो देवर इंजॉइंग एवरीथिंग एवरी पावर से बहुत अच्छी पोजीशन थी बट बुद्धिस्ट टाइम में वो जो कुरु क्लांस थे उनकी पोजीशन डाउन होने लग गई। फिर कुरु के मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे यादव के साथ। अगर हम कुरु क्लान में बात करें अर्जुन तो अर्जुन का अगर हम देखेंगे कि उनका रिलेशन था यादव क्लान यादव के कौन हो गए कृष्ण जी तो उनकी जो बहन थी ठीक उनके साथ उनका था। ठीक भोज एंड पांचाल में तो वी ऑल नो दैट द्रौपदी तो कुरु के भी ऐसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस काफी थे। फिर जातका में एक राजा के बारे में बताया गया है धनंजय के बारे में। ठीक है उनको बताया गया है जातका में कि वो किंग थे वो मतलब रेफरेंस्ड हुआ किंग धनंजय वो प्रिंस थे युधिष्ठिर रेस ऑफ युधिष्ठिर जो युधिष्ठिर मतलब वही कुरु क्लान के जो हो गए युधिष्ठिर की रेस से पांडव में सबसे श्रेष्ठ जो थे ब्रदर वो युधिष्ठिर थे तो उनकी रेस से जो है किंग धनंजय आए थे।
दो ये मोनार्कियल थे बट बाद में क्या हुआ, ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कुरु क्लैन शिफ्ट हो गया रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने पढ़ा कुरु क्लैंस के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पांचाल के बारे में। सो पांचाल जो है वो हमारा ईस्ट ऑफ कुरु में है। अगर हम पांचाल की पोजीशन देखते हैं कि पांचाल कहाँ पे है, ये रही हमारी पांचाल, ठीक है। सो जो पांचाल है ये हमारा, ये पांचाल ईस्ट ऑफ इसमें है, क्या कहते हैं, कुरु क्लान में है। एंड ये अहिचित्रा, इसकी दो कैपिटल है, अहिचित्रा एंड कांपिल्य। सो पांचाल हमारा ऑक्यूपाइड द ईस्ट ऑफ कुरु एंड ये अपर बिटवीन ये अपर हिमालयाज जो हो गए उनके एंड रिवर गंगा के बीच में हमारा पांचाल। पांचाल अगर हम अभी की बात करेंगे तो मॉडर्न रोहिलखंड हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरेली, बदुआ, फरुखाबाद एंड जॉइंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हमारा पांचाल। महाभारत में जातका में जो है कंट्री को दो में डिवाइडेड किया गया है, एक उत्तरा पांचाल मीन्स नॉर्दर्न पांचाल एंड एक दक्षिणा पांचाल दैट इज सदर्न पांचाल। ये पांचाल को दो में डिवाइड किया गया है। अगर हम नॉर्दर्न पांचाल की बात करेंगे तो उसकी जो कैपिटल हो गई वो अहिचित्रा हो गई, वो हो गई अहिचित्रा या इसको चक्रवर्ती भी बोला गया या जो मॉडर्न रामनगर हो गया इन बरेली। एंड सदर्न कैपिटल की अगर हम बात करेंगे सो सदर्न कैपिटल हमारी हो गई कांपिल या कांपिल जो फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक। जो बॉर्डर्स है पांचाल का वो हमारा एक हिमालयंस के फुटहिल्स से चंबल रिवर हो गया साउथ एंड कोशला हो गया ईस्ट, ठीक है। मतलब पांचाल अगर यहाँ पे है तो हमारे जो है हिमालयंस के फुटहिल्स पे है हमारा पांचाल, ठीक। फिर वो चंबल रिवर में जाता है साउथ में, फिर हमारा यहाँ कोसला आ जाता है ईस्ट में, और फिर हमारा जो है कुरु हमारा चला जाता है वेस्ट में। तो ये हमारा एक तरीके से पांचाल के पांचाल इतना इस इतनी जगह में फैला हुआ है। फेमस सिटी जो है कन्याकुभुज या फिर कन्नौज जो फेमस सिटी है वो पांचाल किंगडम में ही है ये इम्पोर्टेंट। फिर पांचाल हमारा 6th century BC में एक तरीके से ही लॉस्ट, पांचाल लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, इट्स लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज इट हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड ऑफर्ड सोल्जर्स मेन स्किलफुल इन फाइट एंड इन द एंड यूज द स्टील वेपन्स। अगर महाभारत के टाइम की बात करेंगे सो वी ऑल नो दैट पांचाल ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था महाभारत फाइट में, बिकॉज जो पांचाल की जो वो थी प्रिंसेस थी द्रौपदी जो प्रिंस थी पांचाल की, ठीक है, उन्होंने शादी की थी ना यहाँ पांडव ब्रदर्स के साथ उनकी शादी हुई थी। सो जो है इस वजह से जो पांचाल था वो एक फाइट में आया था, जब महाभारत की फाइट हुई थी तो पांचाल भी इंक्लूडेड था। तो ये हमारा इसलिए पांचाल एक तरीके से इम्पोर्टेंट था महाभारत के टाइम पे एंड दे हैड अ वेरी लॉन्ग लार्ज आर्मी, ठीक है, और उनके लोग बहुत ही यू नो फाइट में वॉर में देवर काफी गुड एंड ये मोनार्कियल क्लैन था बट पांचाल फिर बाद में रिपब्लिकन कॉर्पोरेशन बन गया था। फिर पांचाल हमारा सेकेंड अर्बन सेंटर है वैदिक सिविलाइजेशन का, बिकॉज इट्स फोकस मूव्ड ईस्ट फ्रॉम पंजाब आफ्टर द अर्ली आयरन एज। तो सेकेंड अर्बन सेंटर इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसका जो फोकस था वो पंजाब से ईस्ट में शिफ्ट हुआ, ठीक, आयरन एज के बाद। तो यहाँ पे भी काफी ट्रेड्स शुरू होना चालू हो गए, टाउन्स बिल्डअप हुए, तो इसलिए इसको एक तरीके से अर्बन सेंटर बोल दिया गया। फिर शौकना और तैतरिया वैदिक स्कूल्स भी हमारे पांचाल में है एंड जैसे मैंने ऊपर बताया कि इंडियन हिंदू एपिक महाभारत के अकॉर्डिंग जो द्रौपदी थी वाइफ ऑफ 5 पांडव ब्रदर्स वो प्रिंसेस थी पांचाल की एंड उन्हें पांचाली भी उनका दूसरा नाम था उसके नाम से बोला गया था। तो ये हमने पांचाल था, ठीक। नेक्स्ट इज छेदी या छेती। तो छेदी या फिर छेतिस या छेत्यास भी बोलते हैं, ये इसको भी दो डिस्टिंक्ट सेटलमेंट बोला गया है जिसमें से एक हमारा नेपाल माउंटेन्स ऑफ नेपाल में है एंड दूसरा हमारा जो बुंदेलखंड हो गया ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट जो हो गया बुंदेलखंड का नियर कौशाम्बी वहां पे भी है, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है, तो हमारा छेदी किंगडम ये हुआ, ठीक, छेदी हमारा जिसकी सुक्तिमती हमारी कैपिटल हो गई। तो ये हमारा एक तरीके से ईस्टर्न पार्ट पे भी है एंड इसको फिर मतलब दो सेटलमेंट में इसको बांट दिया गया था। तो दो सेटलमेंट में जब इसको बांटा था तो इसमें एक बुंदेलखंड रीजन में बोला गया और फिर एक बोला गया कि ये जो नेपाल हो गया माउंटेन्स ऑफ नेपाल वहां पे एक सेटलमेंट थी। तो ये अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट छेदीज ले नियर यमुना मिडवे बिटवीन द किंगडम ऑफ कुरूज एंड वत्सास। कुरूज और वत्सास के बीच में हमारा छेदी आता है रिवर यमुना। फिर मेडाइवल पीरियड में जो सदर्न फ्रंटियर था छेदी का वो नर्मदा तक
एक्सटेंड हो गया था, साउथ साइड जो था छेरी का, छेरी कुरु और वत्सा के बीच में आता है, और जो छेदी है मीन्स तो ये छेदी है, तो ये वत्सा छेदी हमारा वत्सा और कुरु के बीच में आता है। फिर अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट छेदी लेन या यमुना मिडवे बिटवीन किंगडम ऑफ कुरुज एंड वत्सा, ठीक है, छेदी समवेयर यमुना के पास है एंड कुरु और वत्सा के बीच में छेदी बोला गया है, ठीक। एंड मेडाइवल पीरियड में जो सदर्न फ्रंटियर था छेदी का, साउथ साइड जो छेदी का, वो हमारा नर्मदा बैंक तक एक्सटेंड हो गया। फिर छेदी हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट ट्राइब है अमंग द क्षत्रियास इन अर्ली वैदिक टाइम्स। प्लस अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो जो सोथी नगर या फिर सुक्तिमती भी बोला गया ऑफ महाभारत, मतलब महाभारत में क्या बोला गया है, संस्कृत नेम सुक्तिमती दिया गया है या सुक्ति सहवायु दिया गया है, ठीक है। सो ये हमारी कैपिटल है छेदी की, इसको रूल करते थे, इट वॉज रूल ड्यूरिंग अर्ली पीरियड बाय पौरवा किंग लेटर बाय यादव किंग, पहले इसको पौरवा किंग रूल करते थे फिर यादव किंग्स किए। फिर छेदी वर एन एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया एंड ये ऋग्वेद में छेदी के बारे में हमें बताया गया है। अगर हम प्रोमिनेंट किंग देखेंगे कुरुक्षेत्र वॉर में जो इंक्लूड हुए थे फ्रॉम द छेदी, वो कौन थे, एक धामागोशा, फिर एक शिशुपाल। अगर आप शिशुपाल के बारे में अगर जानते होंगे तो शिशुपाल वॉज द कजिन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, और जब अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, युधिष्ठिर ने जब कराए थे, उन्होंने जब इंद्रप्रस्थ बनाया था तब उन्होंने सारे किंग्स को बुलाए थे, तो उस टाइम शिशुपाल भी थे, तो जो शिशुपाल जो थे वो आए थे एंड ही वाज अ कजिन ऑफ कृष्ण, तो ये वरदान दिया था, मतलब शिशुपाल वाज नॉट अ वेरी गुड किंग, तो ये वरदान कृष्ण ने दिया था कि आपको 100 गलतियां आपकी माफ है, ठीक, 100 गलती आपकी पूरी होगी फिर मैं मार दूंगी, ऐसा शिशुपाल की माँ ने वरदान मांगा था। So, उस टाइम क्या थे, शिशुपाल जो है जब आए थे इंद्रप्रस्थ में, जब अश्वमेध युधिष्ठिर ने कराया था, तो उस टाइम पे उन्होंने काफी कुछ बोला युधिष्ठिर के अगेंस्ट बोला, ठीक है, देन यू नो प्रिंसेस पांचाली जो थी, द्रौपदी जो थी, उनके अगेंस्ट बोला, तो काफी कुछ बोला एंड ही वाज वेरी फ्री कि अरे मेरे पास तो 100 उनको 100 वो दी गई थी, मोर पंख दिए गए थे, तो बोला अरे मेरे पास तो अभी मेरी बहुत गलतियां बची है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने काफी कुछ उल्टा सीधा बोलना चालू किया, तो फिर उनकी एक एक गलतियां खत्म होती रह गई, और फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी 100 गलतियां पूरी हो गई, तो उस जो यज्ञ था, जो सैक्रिफाइस जो ऑर्गेनाइज किया था उस टाइम पे, तो फिर जो किंग सॉरी जो कृष्ण थे उन्होंने शिशुपाल को मार दिया था। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी है शिशुपाल के बारे में। सो ही वॉज किल्ड बाय जो कृष्ण थे, शिशुपाल वाज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्ण जब वो अश्वमेध यज्ञ जो युधिष्ठिर ने कहा था इंद्रप्रस्थ। फिर दृष्टकेतु, सुकेतु, सारभा, भीम्स वाइफ एंड नकुल्स वाइफ करेणुमति एंड दृष्टकेतु सन, ये लोग थे। फिर ये क्लोजली कनेक्टेड है मत्स्य से एंड काशी से, और जो ब्रांच ऑफ छेदीज है ये एक रॉयल डायनेस्टी है इन द किंगडम ऑफ कलिंग, जो मतलब एक हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन था खारवेला का, तो उसमें ये बोला गया है कि जो छेदी है उन्होंने किंगडम ऑफ कलिंग था वो छेदीज के एक ब्रांच ने फॉर्म किया था। फिर खारवेला जो है वो बहुत ही ग्लोरियस एम्परर थे छेदी डायनेस्टी के ऑफ कलिंग, एंड जो है कलिंग में मतलब हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है, मतलब कैनाल्स के बारे में बताया गया है, जो कलिंग में महापद्मानंद जो थे, ठीक है, उन्होंने कैनाल्स बनाए थे कलिंग में, तो उसके बारे में भी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि ये पहला इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे कैनाल्स के बारे में बताया गया है। फिर इंस्क्रिप्शन में डोनेशन के बारे में बताया गया कि कुछ विलेजेस जान मॉन्क्स को डोनेट किए गए थे, उसके बारे में बताया गया है। फिर इस इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि जो खारवेला है उन्होंने चोला, चेरा और पांड्या इन तीनों को डिफीट किया था। नेक्स्ट अब आता है हमारा शौर सेन, ठीक है, सूरसेना आता है। तो सूरसेना हमारा कहाँ पे है, ये हमारा सूरसेना साउथ वेस्ट ऑफ मत्स्य में है एंड वेस्ट ऑफ यमुना एंड अराउंड दी मॉडर्न ब्रजभूमि, जो मथुरा जो हम बोलते हैं ब्रजभूमि। तो जो शौर सेन है हमारा ये वही साउथ वेस्ट मत्स्य में है, मत्स्य के साउथ वेस्ट में है, यमुना के वेस्ट में है, ब्रजभूमि मथुरा के। इसकी कैपिटल क्या है, मथुरा भी कुछ लोग बोलते हैं, मथुरा बोलते हैं, ठीक है हम लोग। तो ये कैपिटल है, रिवर कौन सी हो गई, यमुना। मथुरा हमारा क्या हो गया कि दक्षिण पथा और
जो उत्तरापथा है उसके जंक्शन पे है, मिड में है। तो ये जो उत्तरापथा भी फेमस एंशियंट ट्रेड रूट है, दक्षिणापथा भी एंशियंट ट्रेड रूट है, तो उसके जो जंक्शन पे है ये हमारा सोरसेन वहां पे लोकेटेड है। सोरसेन एक सेक्रेड लैंड है लॉर्ड कृष्णा की, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, रेस्ड एंड रूल्ड मथुरा, वी ऑल नो दैट लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फिर महाभारत जो है उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है जो सोरसेन से ही आते हैं, ठीक है, अलोंग विद सुलवास, रूपांचाल एंड अदर नेबरिंग ट्राइब्स, ये सब हमारे सोरसेन के आसपास के हैं। फिर अवंती पुत्र जो है वो सोरसेन के राजा थे, ये फेमस है अमंग द चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, थ्रू हूज हेल्प बुद्धिज्म गेन अराउंड इन मथुरा कंट्री। ठीक, जो अवंती पुत्र है ये फेमस रूलर भी है सोरसेन के, तो ये जो है चीफ डिसाइपल थे, वन ऑफ द चीफ डिसाइपल थे बुद्धा के, एंड इन्हीं की वजह से जो बुद्धिज्म था वो मथुरा कंट्री में काफी ज्यादा जो है फैला था एंड गेन प्रोमिनेंस बिकॉज ऑफ हिम। फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र रिलेट्स दैट विष्णुस अंधकास एंड अदर एलाइड ट्राइब्स ऑफ यादव फॉर्मड अ समघ एंड वासुदेव कृष्ण इज डिस्क्राइब्ड अ समघ मुखिया। ठीक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि कुछ ट्राइब्स थी, ठीक है, जैसे कि विष्णुस अंधकास एंड यादव की कुछ ट्राइब्स थी, इन सारे ट्राइब ने समघ बनाया था, ठीक है, ग्रुप बनाया, एंड जो वासुदेव कृष्ण थे वो उस समग्र के मुखिया थे, ठीक है, ही वाज द चेयरमैन बोल सकते हो, ठीक है, हेडमैन ऑफ दैट समग्र। बट ये सब तो ठीक है, बट इसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था इतनी अच्छी नहीं थी, महाजनपदा के टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब पहले वैदिक टाइम में जिसकी पांचाल हो गया, कुरु हो गया, गांधार हो गया, इन सब की उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंस थी, बट इस टाइम पे क्या हुआ जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी वीक हुई, लैंडस्केप वैरी हुए, एंड जो चीफ थे इस एरिया के वो इतने पावरफुल किंगडम नहीं बना पाए, वो इतना ज्यादा एनेक्स नहीं कर पाए स्टेट को, तो वो थोड़ा ये लोग पीछे ही रहे। ये प्लेस है मेगास्थनीस के अकॉर्डिंग, ये प्लेस है सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप, वी ऑल नो दैट। एंशियंट ग्रीक राइटर्स जो थे उन्होंने इस स्टेट को सूरा सिनोई भी बोला है एंड कैपिटल को मथुरा भी बोला है, एंड रामायण प्लेस करता है सोरसेन को अमंग दी नॉर्दर्न कंट्रीज, नॉर्दर्न कंट्रीज में सोरसेन को प्लेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू रामायण। तो सोरसेन किंगडम ने अपनी इंडिपेंडेंस भी खो दी जब मगध एम्पायर ने इसको एनेक्स कर लिया था। तो ये हमारा बेसिक हो गया सोरसेन के बारे में कि डोमिनेंस था बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का यहीं पे, अवंती पुत्र हमारे इंपॉर्टेंट किंग थे, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया मथुरा का। फिर हम रिपब्लिक्स की बात आते हैं, रिपब्लिक्स या घना संघास, ठीक है, रिपब्लिक्स क्या होते हैं, रिपब्लिक, तो ये बेसिकली जो गन होता है, ठीक है, गन का मतलब होता है जो इक्वल स्टेटस क्लेम करे, ठीक है, संघ का हो गया असेंबली, तो यहाँ पे कोई ऊपर कोई नीचे कुछ नहीं होता, सब इक्वली होते हैं, ठीक है, जो मोनार्कीज है वो जनरली क्या होते हैं ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस के होते हैं, ये बेसिकली इगैलिटेरियन थे, ठीक है, मोर और लेस देवर इगैलिटेरियन ट्रेडिशंस। सो इसमें बेसिकली क्या करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, ये लोग अपने में से किसी एक को इलेक्ट कर देते थे एंड वो क्या बन जाते थे, वो उसके मुखिया बन जाते थे, उस ट्राइब के, उस क्लान के, उस जनपदा के मुखिया बन जाते थे, तो उसमें ऐसा परफॉर्म किया जाता था, इनका चूज जो था बेसिकली हेरिडिटरी इसमें नहीं होता था इतना, ठीक, ये लोग रिपब्लिक थे, तो फिर ये लोग इस तरीके से अपने चीफ को इलेक्ट करते थे। कुछ गणा संघ अगर बोलेंगे तो उसमें सिंगल क्लान है, जैसे कि शाखियाज हो गए, कोलियाज, मल्लाज, वेल बाकी के जो हो गए उसमें बहुत सारे क्लान है, जैसे वज्जी से हम बात करेंगे तो वज्जी जो थे उसमें लिच्छवी, विदेहन, चंद्रकास, ये सारे वज्जी के क्लास थे, तो बहुत सारे क्लास थे, कुछ थे जिसके सिंगल क्लास भी थे। ठीक, सो पहला आता है वज्जी, तो जो वज्जियंस थे या वृज्जिस थे उसमें 8 या 9 कॉन्फेडरेटेड क्लांस आते थे, उन क्लांस को क्या बोलते थे, अथा कुला, क्या बोलते थे, अथा कुला। उसमें से जो लिच्छवीज थे, ठीक है, एंड जो विदेहंस थे एंड जंत्रिकास, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। मिथिला जो मॉडर्न जनकपुर अगर हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरहुत में, वो हमारे विदेहा की कैपिटल थी एंड ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इन नॉर्दर्न इंडिया, मिथिला। फिर विदेहा अगर हम देखेंगे तो जो किंग जनक थे, ठीक है, किंग जनक के टाइम पे जो विदेहा था वो हमारा प्रोमिनेंस में आया था। फिर अराउंड 600 BC, लिच्छवी जो थी, लिच्छवीज जो थे वो लॉर्ड महावीरा के डिसाइपल थे, बट बाद में वो बुद्धा के फॉलोअर बन गए एंड बुद्धा इज सेड टू हैव विजिटेड द लिच्छवी ऑन मेनी ओकेजन। जो लिच्छवी ट्राइब था, लिच्छवी क्लान था, जो उस टाइम पे पहले लॉर्ड महावीरा जो थे वो क्या थे, वो प्रोमिनेंट थे, बट बाद में उन लोगों ने बुद्धा को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो लिच्छवीज तो बुद्धा ये एक मोस्ट विजिटेड साइट एक तरीके से बुद्धा के टाइम पे ये बन गई थी।
ठीक फिर जो लिच्छवीज थे वैशाली के फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक ठीक लिच्छवीज ऑफ वैशाली वैशाली कैपिटल है लिच्छवीज सो ये जो लिच्छवी ऑफ वैशालीज है ये वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक है वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक वाज लिच्छवीज ऑफ वैशाली वैशाली को हम मगाधम पुरम भी बोलते हैं इन द सुतानी पटा में वैशाली लार्जेस्ट है मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक थी बुद्धा के पीरियड में वैशाली वाज द मोस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक लिच्छवी अगर देखेंगे तो वो क्लोजली रिलेटेड है बाय मैरिज टू मगध्स एंड वन ब्रांच ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी रूल नेपाल अंटिल द स्टार्ट ऑफ द मिडिल एजेस बट अभी जैसे शाह डायनेस्टी सो अभी लिच्छवी डायनेस्टी और शाह डायनेस्टी का कोई रिलेशन नहीं है बट बोला जाता है कि एक ब्रांच ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी जो थी वो नेपाल को भी रूल करती थी इतना कंक्लूसिव नहीं है बट ये फिर लिच्छवी क्लोजली यू नो मैट्रिमोनियल अलायंस था उनका मगध के साथ भी मगध एक तरीके से सबके साथ चाहे वो मैट्रिमोनियल अलायंस करके चाहे एनेक्स करके एक तरीके से सबके साथ सारी यू नो किंगडम महाजनपदास को एनेक्स करता जा रहा था जब वो एनेक्स कर रहा था तो मगध एक तरीके से बाद में क्या हो गया बहुत ही यू नो ग्रेटेस्ट एम्पायर बन गया था मगध फिर लिच्छवी आर रिप्रेजेंटेड एज व्रत्रिया व्रत्रिया मीन्स हमारे हुए क्षत्रिय ठीक है मनुस्मृति में व्रत्रिया को हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं तो ये क्षत्रिय क्लान से प्रोमिनेंट थे यहाँ पे वैशाली हेडक्वार्टर या कैपिटल बोल सकते हैं पावरफुल वज्जी रिपब्लिक एंड कैपिटल ऑफ लिच्छवी थी हमारी वैशाली बट वैशाली जो किंग अजात शत्रु थे मगध के उन्होंने क्या किया वैशाली को एनेक्स्ट कर लिया था डिफीटेड द वैशाली यानी एनेक्स्ट वैशाली तो बाद में वैशाली हमारे मगध में आ गया देन टेरिटरी जो थी वज्जी महाजनपदा की वो अगर हम देखेंगे तो गंगा रिवर जो गई बिहार में गंगा रिवर के नॉर्थ में एंड जो नेपाल तक जाता है मतलब गंगा रिवर हमारा जो अगर हम वज्जी किंगडम की बात करेंगे कि वज्जी किंगडम हमारा कहाँ पे है तो ये रहा हमारा वज्जी ये हमारा हो गया व्रज्जी या वज्जी ठीक सो ये हमारा गंगा एंड इधर पूरा जो नेपाल तक ठीक ये हमारा वज्जी इतना एक्सटेंड करता था तो एक तरीके से वज्जी हमारा इम्पोर्टेंट था बट देन इट वॉज एन एक्सटेंड ऑन द वेस्ट ऑफ अगर हम देखेंगे तो वेस्ट में गंडक रिवर है ठीक है वो हमारा वज्जी और मल्ला के बीच में बाउंड्री बनाती है एंड इट ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम दी कोसला महाजनपदा गंडक रिवर जो है वो वज्जी और मल्ला को सेपरेट करती है एंड कोसला जनपदा को भी सेपरेट करती है और अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में ये हमारा यू नो फॉरेस्ट तक पूरा जाती है ईस्ट में इधर हमारा वज्जी के ईस्ट में नेपाल साइड जो हो गया एक्सटेंडेड अप टू फॉरेस्ट बैंक्स ऑफ रिवर कोशी एंड महानंदा ये इतना हमारा वज्जी किंगडम करती है फिर वैशाली या मॉडर्न बारसा वैशाली डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार में देखेंगे तो ये एक प्रॉस्पेरस टाउन है जो लोकेटेड है 25 माइल्स नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा एंड 38 माइल्स फ्रॉम राजगिरिया ये कैपिटल है लिच्छवीज की एंड कैपिटल एंड ये पॉलिटिकल हेडक्वार्टर भी है पावरफुल ब्रिजियन कॉन्फेडरेसी का सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हमारी वैशाली में हुई थी और अगर बाकी इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में बात करेंगे तो हो गया कुंदापुरा या कुंदग्रामा सबर्ब वैशाली भुगाना आगरा एंड हाथीगमा ये हमारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हो गए या विलेज हो गए वज्जी रिपब्लिक के देन नेक्स्ट इज वज्जी संघ या यूनियन ऑफ वज्जी जिसमें बहुत सारे जनपदाज आते थे ग्राम्स विलेजेस घोस्तास ग्रुप्स ये सब आते थे इसको जो वज्जी गण परिषद जो थे पीपल्स काउंसिल ऑफ वज्जी ये एडमिनिस्टर्ड करते थे फिर जो एमिनेंट लोग थे उन्हें गण मुखिया बोला गया इसको हर एक खंड मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट जो थे ठीक है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट करते थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक डिस्ट्रिक्ट के इस गण परिषद में ठीक है और वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें गण मुखिया बोला गया चेयरमैन जो थे काउंसिल के उनको गण प्रमुख बोला गया ठीक मतलब हेड ऑफ द डेमोक्रेसी बोला गया बट बार बार उनको किंग भी यहाँ पे बोला गया था बट उनकी जो पोस्ट थी वो नॉन डायनेस्टिक थी फिर बाकी की जो एग्जीक्यूटिव थे उसमें कौन आए महाबला धृकृत दैट इज जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी देन भिनीश छायामात्य जो चीफ जस्टिस हो गए एंड दंडाधिकृत दैट इज अदर जस्टिसेस फिर वज्जी एक तरीके से इंडिकेट करता है टू हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ फॉलन ऑफ विदेहन मोनार्की जब विदेहन मोनार्की जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी तब वज्जी हमारा इवॉल्व हुआ था ठीक है फिर ये रिपब्लिकन स्टेट है एट द टाइम ऑफ महावीरा एंड गौतम बुद्ध एंड फिर आजाद शत्रु ने जो मगध किंग थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इस कॉन्फेडरेसी को और इन्होंने क्या किया इसको एनेक्स कर लिया था वज्जी रिपब्लिक को सो ये हमारा हो गया वज्जी
नेक्स्ट इज मल्लाज. जो मल्लाज हैं, इनका नाम आफ्टर द रूलिंग क्लान के बाद ही इनका नाम आया गया है. महाभारत में मेंशन किया है टेरिटरी को एज मल्ला राष्ट्र या मल्ला स्टेट. मल्ला फ्रीक्वेंटली मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन वर्क्स. एंड मल्ला महाजनपदा जो है वो हमारे मगध के नॉर्थ में है. ठीक है, मगध के नॉर्थ में हमारा मल्ला जनपदा है. एंड इट्स टेरिटरी ऑल्सो टच द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ वज्जी स्टेट. जो नॉर्दर्न बॉर्डर हो गया वज्जी स्टेट का, मल्ला उसको भी थोड़ा सा टच करती है. ये पावरफुल क्लान है, ईस्टर्न इंडिया के पावरफुल क्लान है हमारा मल्ला. एंड पांडुपुत्र जो भीम सेन थे, उन्होंने कॉन्कर करा था चीफ ऑफ मल्ला को. जब वो ईस्टर्न इंडिया जा रहे थे तब उन्होंने पांडुपुत्र भीम ने कॉन्कर कर लिया था चीफ ऑफ मल्ला. महाभारत ने मेंशन किया है मल्ला को अलोंग अंग वंगास या कलिंग एज द ईस्टर्न ट्राइब. ईस्टर्न ट्राइब में अंग वंग एंड कलिंगाज आते हैं, तो उसमें फिर मल्ला भी आते हैं ईस्टर्न ट्राइब. और ईस्टर्न में ये पावरफुल ट्राइब था. मल्ला एक रिपब्लिकन था विद देयर डोमियन कंसिस्टिंग ऑफ 9 टेरिटरीज. या कल्पा सूत्र जो थी या निराया वली सूत्र, उसके अकॉर्डिंग जो मल्ला एक रिपब्लिकन प्लान थी, एक रिपब्लिकन महाजनपदा था. और उसके नीचे कितने आते हैं, उसके नीचे 9 टेरिटरीज आती थी. महाजनपदा जो है फिर वो दो मेन पार्ट में भी डिवाइडेड हुई विद द रिवर ककूथा. उसको प्रेजेंट कुकू बोलते हैं. और ये डिवाइडिंग लाइन कैपिटल अगर देखेंगे तो ये जब दो पार्ट में डिवाइडेड थी तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, खुशी नरा हो गई या मॉडर्न खासिया नियर गोरखपुर एंड पावा. मॉडर्न प्रादुर्वाना 12 माइल्स फ्रॉम खासिया. और जो दोनों कैपिटल्स हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हम बात करेंगे पावा की, ठीक है, पावा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बुद्धा ने अपनी लास्ट मील खाई थी और फिर वो बीमार पड़ गए थे. और खुशी नारा की बात करेंगे तो यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, महापरिनिर्वाण खुशी नारा में किया था. और वही जो जैन फाउंडर थे महावीरा, वो पावापुरी में उनकी डेथ हो गई थी. मल्लास लिच्छवी की ही तरह, ठीक है, उनको भी मनुस्मृति में एक क्षत्रिय बोला गया है कि जो मल्लास के जो लोग थे वो क्षत्रिय क्लान थे. मल्लास ओरिजिनली मोनार्की थी, फिर बाद में वो क्या हो गई, वो संघ रिपब्लिक बन गए, जिन्होंने अपने आप को, जिनके मेंबर्स ने अपने आप को राजस बोला. मल्ला बहुत ही ब्रेव थे, वॉरलाइक लोग थे एंड बहुत सारे लोगों ने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को फॉलो किया. मल्ला अपीयर टू हैव फॉर्मड एन अलायंस विद लिच्छवीज फॉर सेल्फ डिफेंस. बट फिर अपना उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी नॉट लॉन्ग आफ्टर बुद्धाज डेथ वर एनेक्स टू मगध किंग. तो जो मल्लास थे उन्होंने अपनी अलायंस लिच्छवीज के साथ फॉर्म करी थी, ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए कि उन पे कोई अटैक ना कर सके. इसलिए मल्लास ने लिच्छवी के साथ जाके अलायंस फॉर्म की थी. बट बाद में वो अपनी इंडिपेंडेंस खो दिए थे जब मगध ने उसको एक्वायर कर लिया, एनेक्स कर लिया था. ठीक, मल्ला बाद में फिर एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनी इन दी 9th सेंचुरी ईस्टर्न इंडिया में. फिर नेक्स्ट आता है हमारा असाका. असाका या फिर इसको हमने अश्माका भी बोला है. फिर असाका या अश्माका, तो जो असाका या अश्माका है ये हमारा दक्षिण पथा या फिर सदर्न हाई रोड पे है, दैट इज मध्य देश के बाहर है. ठीक, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय एंड जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, असाका या अश्माका जो है वो लोकेटेड है बिटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा रिवर. ठीक है, गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में है ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी. एंड इट वॉज द ओनली महाजनपदा जो विंध्यास माउंटेन के साउथ में है एंड ये दक्षिणापथ है. ठीक है, ये दक्षिणापथा की ये ओनली साइट है. तो फिर दक्षिण साउथ की जितनी भी ट्रेड हो गई वो असाका अश्माका के थ्रू ही हुई. ठीक, सो ये एक तरीके से इट्स द ओनली साइट, इज द ओनली महाजनपदा ऑफ दक्षिणापथा. फिर कैपिटल असाका की पोटाना या पोटाली है. एंशियंट नेम क्या दिया गया है, प्रतिस्थाना, जो करस्पॉन्ड करती है पौडन्या ऑफ महाभारत. एंड अब ये नंदूरा तहसील, दैट इज महाराष्ट्र साइट है. अश्माका जो है इसको पन्नी ने भी मेंशन किया है. एंड इसमें जो नॉर्थ वेस्ट जो है ये मतलब एंड अश्माका को मार्कंडेय पुराण और भरत संहिता में नॉर्थ वेस्ट पोजिशन. जो कौटिल्य जो थे उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में अश्माका को भी महाभारत के महाराष्ट्र के साथ एसोसिएट किया. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय अश्माका बहुत ही उनके पास फूड और जेम्स, उनके पास बहुत सारा था. बिकॉज ये ओनली महाजनपदा थी जो हमारा दक्षिण पथ में था, तो साउथ का इनके पास साउथ का सारा ट्रेड इन्हीं के पास आता था. तो इसलिए बहुत ही वेल्दी और बहुत ही प्रॉस्पेरस थे. जो पौडन्या है ये हमारा गोदावरी रिवर के बीच में, अगर प्रेजेंट डे तेलंगाना और महाभारत महाराष्ट्र की बात करें तो उसके बीच में. सो इसीलिए हमारा ये
अश्माका इम्पोर्टेंट हो गया था, इसीलिए ये प्रॉस्पेरस था, बिकॉज अश्माका इज दी ओनली महाजनपद इन दक्षिण भारत. सो ये हमारा हुआ अश्माका के बारे में. ये कमर्शियली भी इम्पोर्टेंट हुआ, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली. सो ये हमने पढ़ा अश्माका के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट राइज या एमरजेंस ऑफ द महाजनपद, रीजंस क्या थे. तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था एंशियंट इंडियंस का, वो हमारा सेमी नोमैडिक ट्राइबल यूनिट से स्टार्ट हो गया था जन्म में. ठीक है, हमने वैदिक लिटरेचर में पढ़ा था ना कि ग्राम आया, ठीक है, फिर ग्राम से कुल, मतलब कुल आया, कुल से ग्राम, सो ऐसे बढ़ता गया, फिर जन आया, फिर जन से जनपद बना. सो अर्ली वैदिक टेक्स्ट में बहुत सारे जनास के बारे में, ट्राइब्स के बारे में बताया गया, आर्यंस जो सेमी नोमैडिक ट्राइबल स्टेट्स थे, ये एक ही एक दूसरे में ये लोग लड़ते रहते थे, ठीक है, कैटल, शीप, ग्रीन पास्चर्स के लिए. फिर ये जो अर्ली वैदिक जनास थे, ये बाद में क्या बने, जनपद, एक फिक्स टेरिटोरियल स्टेट, इन्होंने टेरिटोरियल किंगडम इन्होंने एक्वायर करना चालू कर दिया लेटर वैदिक एज में. फिर लेटर वैदिक एज से क्या हुआ, इन्होंने जब ये इस साइड बढ़ गए, महाजनपदा में आए, तो इन्होंने जो छोटे छोटे जनपदास थे, इन्होंने और आसपास के किंगडम्स को एक्वायर किया, एनेक्स किया, तो फिर ये महाजनपदा. सो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स चीफली बिकॉज ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन टूल्स इन एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री अलोंग विद रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स led to the rise of महाजनपदा. तो रीजन क्या हो गया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, बिकॉज आयरन टूल्स यूज किया इन्होंने इन एग्रीकल्चर एंड मिलिट्री, देन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से महाजनपदा हमारा आया, ठीक है, स्मॉलर किंगडम से महाजनपदा बना. फिर जो डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर टूल्स का, उससे क्या हुआ, पीजेंट्स को बहुत हेल्प हुई कि वो और एरिया को एग्रीकल्चर के अंडर अपने लेते आए, और प्लस उन्होंने एक्सप्लॉइट भी किया, फॉरेस्ट लैंड को भी उन्होंने क्लियर किया, जस्ट बिकॉज दे वांटेड एग्रीकल्चर लैंड. फिर उन्होंने बहुत सारे एरेबल लैंड्स उन्होंने ऐड किए, सो पीजेंट्स अब क्या हो गए, वो और अच्छे गुड क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स, फूड वूड उगाना चालू कर दिए. एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से क्या हुआ, ग्रोथ सेटलमेंट हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बनी, तो एक जगह एक पूरा प्रॉपर किंगडम उनका बन के तैयार हो गया, ठीक है. एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन की वजह से क्या हुआ, वॉरियर्स बने, ठीक, एग्रीकल्चर की वजह से लोग बने, एंड आयरन टूल्स की वजह से उनको वॉरियर्स मिले, वेपन्स मिले, सब कुछ. देन डिफरेंट सोशल ग्रुप जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, सेटलर्स हो गए, वो भी एमर्ज्ड हुए विद द अपीयरेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, मीन जब टाउन वाउन जब सब पूरा सेटअप हो गया था, तब और सोशल ग्रुप्स भी आए हमारे. फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हुआ, रेगुलर ट्रेड हुआ, तो प्रोफेशनल मिडिलमैन और मर्चेंट्स बने. जब रेगुलर ट्रेड की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी बूस्ट करी. इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो जो राष्ट्र होगा, जो जनपद हुआ, वो और बड़ा बना और वो महाजनपद में बना, इवॉल्व हुआ. चीफ क्या थे, वो वॉर में कॉन्स्टेंटली बिजी रहते थे, ठीक है, वो अपने वो एक दूसरे आसपास के जो जनपदा के उनको दिखाते थे, अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाते थे. उसकी वजह से उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज भी फॉलो की. जब उनको उनके पीछे बैकअप क्या हुआ, जैसे मगध हुआ, अब मगध क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसके पास पूरा आयरन रिजर्व था. आयरन रिजर्व की मदद से उसने बहुत सारे आयरन टूल्स बनाए, आयरन वेपन्स बनाए. अब जब जिसके पास हथियार ज्यादा है, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने पहले एक्सपैंड करना शुरू किया थ्रू मैट्रिमोनियल एंड थ्रू वैसे भी एनेक्स करके भी उसने एक्सपैंड किया. जब उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया, तो और लोगों को एक्सपैंड किया, तो वहां से उसको क्या मिल गया, वहां से उसको फिर एग्रीकल्चर ट्रेड मिल गया वहां से, ठीक. अब उसने अवंती को नेक्स्ट किया, अवंती को पूरा स्वर्ण भूमि का ट्रेड मिल रहा है, अब उसने उसको एनेक्स कर लिया, तो उसको वहां से डायरेक्टली ट्रेड मिला कि नहीं मिला. तो जब फिर उसने अश्माका को एनेक्स किया, उधर से सदन का पूरा ट्रेड उसने ले लिया. तो जब ऐसे उसने एनेक्स्ट करते गए, ठीक है, अंग को एनेक्स्ट किया, सॉरी, तो अंग से उसको मिला. तो जब ऐसे उसने एनेक्स्ट किया करते गए, तो वो बड़ा बन गई, वो बड़ी इकोनॉमी बन गई, वो बड़ा एक मेजर, एक ग्रेट, यू नो, महाजनपद बना. सो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की. फिर लार्ज टेरिटोरियल स्टेट जो थे, उनके पास बहुत अच्छे, यू नो, मिलिट्री सपोर्ट थे, वॉरियर क्लास थे. देन टैक्सेशन सिस्टम किया, तो टैक्सेशन सिस्टम से उनको क्या मिला, और यू नो, इकोनॉमी, पैसा मिला. पैसा मिला तो आर्मी डेवलप की, और भी चीजें उन्होंने डेवलप किया. फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन राजा एंड प्रजा बहुत ही प्रोनाउंस था, ठीक, बिकॉज यू नो, वो क्षत्रिय क्लांस, प्रजा हमारे वैश्य क्लांस के, या फिर उसके हो गए शूद्र क्लान के, तो काफी डिस्टिंक्शन काफी प्रोमिनेंट था. फिर उन्होंने अपने लैंड्स को प्रोटेक्ट करना चालू किया, साथ साथ एनेक्स करना भी चालू किया अपने नेबरिंग एरियाज में. तो लेटर वैदिक के तक में जो ट्राइबल पॉलिटी थी, वो हमारी टेरिटोरियल स्टेट्स में चेंज होने लग गई, ठीक है.
लेटर वेदिक में ट्राइब्स थे, दे वर ओनली यू नो फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, नॉट विद एनीवन एल्स. बट यहाँ पे अब लोगों की इच्छाएं बढ़ी, ग्रीडी हो गए, दे वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर. तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने और किंगडम्स को भी एक्वायर करना चालू कर दिया. जब उन्होंने एक्वायर किया तो वो टेरिटोरियल पूरा उन्होंने अपना स्टेट बनाया, तो ट्राइबल पॉलिटी से टेरिटोरियल पॉलिटी में चेंज हुआ. और इसी को हमने सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हमने बोला, बिकॉज यहाँ पे जब उन्होंने एनेक्स किया तो ट्रेड बढ़ा, ठीक है, उनका एग्रीकल्चरल बढ़ा. तो इन सब चीजों से उनके टाउनशिप उन्होंने बनाए गए, कैपिटल सिटीज उन्होंने फॉर्म करी, बहुत सारे यू नो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस चालू हो गए. तो उसकी वजह से क्या हुआ, यू नो अर्बनाइजेशन का सेकेंड फेज हमने इसमें देखने को मिला महाजनपदा पीरियड में. फर्स्ट हमने इंडस वैली में देखा, फिर जनपदा क्या हो गए, जनपद हमारे सेंटर हो गए फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म लैंग्वेज कस्टम एंड बिलीव. A passage from Ashtadhyayi of Panini illustrates that people gained a strong allegiance to the territory of Janpada to which they belong rather than Jan or tribe. पहले के टाइम पे क्या होता था वैदिक पीरियड में कि बहुत सारे जन थे, बहुत सारे ट्राइब थे, ठीक है, जैसे कि मेरा एक ट्राइब हो गया, ठीक है, उसके बाद मेरे साथ मेरी दोस्त होगी तो उसका एक ट्राइब, तो ऐसे ट्राइब्स थे. अब मैं ट्राइब की मुखिया होगी तो मेरे लोग मेरे ट्राइब के लिए, ठीक है, वो उनके लिए जैसे कि उनकी एलिजेंस उसकी तरफ. बट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने ट्राइब को छोड़ के उन्होंने जन टेरिटरी मींस नाउ उनकी एलिजेंस फॉर एग्जांपल मगध की तरफ है, उनका वो किंगडम है, ठीक है, वो पर्टिकुलर ट्राइब की तरफ नहीं है उनका. सो ये चेंज हुआ, ये अष्टाध्यायी की जो पननी थी उसमें बताया गया. फिर बाय 500 BC जनपद बहुत ही कॉमन हो गए एंड 40 जनपद हमारे देखने को मिले एक्सटेंडिंग फ्रॉम अफगानिस्तान साउथ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया, जो पननी ने डिस्क्राइब किया. फिर 6th century BC में कुछ जनपद क्या हो गए, वो महाजनपद में हो गए, जिससे मगध एंड कोशला. एंड महाजनपद कैसे बना, जब उन्होंने बहुत सारे जनपदा को इंडिपेंडेंट जनपदा का मार्गेशन एक्वायर किए, नेक्स्ट किए, ठीक है, एक साथ मिल गए, तब वो महाजनपदा बन गया. तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, एमर्जेंस ऑफ महाजनपदा हमारा इस तरीके से शुरुआत हुआ. अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाजनपदा, सो जो 16 महाजनपदा थे उस टाइम पे, जो गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही वैरी करता था ग्रेटली, अलग मतलब अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था. बट एक चीज में मतलब अगर हम मोनार्कीज और रिपब्लिक्स में डिवाइडेड था, ठीक, तो मोनार्कीज अपना अलग चलाती थी, रिपब्लिक्स अपना अलग चलाती थी मोनार्कीज. बट ये था कि जो किंग थे वो वॉरलॉर्ड थे, ठीक है, उन्होंने वो अपने किंगडम को चलाते थे बिकॉज उन्होंने वो विक्ट्री हासिल की, ट्राइम्फ किया. सो फ्रॉम ट्राइम्फ टू विक्ट्री वो मतलब जो किंग थे वो वॉरलॉर्ड थे, हु लेड हिज रियलम फ्रॉम ट्राइम टू विक्ट्री, ठीक है, किंग को सुप्रीम बोला गया यहाँ पे. फिर मोनार्क को और भी लोग चलाते थे, नॉट ओनली किंग, उनके साथ और भी लोग थे, ठीक है, उनके जैसे कि सेनापति हो गए, ठीक, उस पर चीफ एडवाइजर, चीफ जस्टिस, तो बहुत सारे लोग उनके असिस्टेंस में रहते थे. फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो रिपब्लिक में अगर देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी विलेज हेडमैन की जो थी रिपब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन की, ग्रामनी, ग्रामबोज या ग्रामिका बोला गया. फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर मीन्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड लार्ज आर्मी विद द सपोर्ट ऑफ लार्ज आर्मी. देन पीजेंट्स जो थे उनको एक ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता था, बाली, बाली क्या होता है, 1/6 जो होता है हमारे आउटपुट का वो देना पड़ता था. एंड स्पेशल ऑफिसर्स जो कलेक्ट करते थे वो बाली साधकस होते. फिर वैदिक टाइम की बात करेंगे तो ट्राइब्समैन का क्या था, वॉलेंट्री पेमेंट करते थे, उनका मन होता था तो करते थे, नहीं था नहीं तो नहीं करते थे. बट इसमें क्या था, अब कंपल्सरी हो गया आपको टैक्स देना है, तो एक बहुत ही इलैबोरेट टैक्सेशन सिस्टम भी यहाँ पे आया. ठीक, पॉपुलर असेंबली सभा समिति पूरी तरीके से गायब हो गई एंड एक छोटा सा ग्रुप आया जिसको परिषद बोला गया, उसमें सिर्फ ब्राह्मण्स थे. वो ब्राह्मण क्या थे, वो किंग के एडवाइजरी काउंसिल बने. तो यहाँ पे एक तरीके से ब्राह्मण्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई. फिर चार क्लास कास्ट आए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आए थे. ठीक, जिसमें शूद्रास की पोजिशन तो और ही खराब हो गई थी. फिर धर्म सूत्रा में डिफाइंड द ऑब्लिगेशन ऑफ ईच वर्ण एंड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ इवॉल्व टू रिफ्लेक्ट दिस डिस्टिंक्शन. धर्मशास्त्र था उसमें बताया गया हर एक वर्ण का ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि अब जैसे कि शूद्रास जो थे अब वो ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन थे.
एंड क्रिमिनल लॉ जो था वो इवॉल्व करता, जो क्रिमिनल लॉ जो आया था वो बताता था, रिफ्लेक्ट करता था द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज यू नो डिफरेंसेस बिटवीन दी वर्णास वर्ण सिस्टम. देन ग्रेटर वर्ण जो थे वो उसको बोला गया कि जो ग्रेटर वर्ण थे वो बहुत ही प्योर थे और जो निचली वर्ण जो थे ठीक शूद्रा थे वो इतने प्योर नहीं थे. तो ग्रेटर वर्ण को बोला गया कि दे हैव हाई मॉरल ऑर्डर एंड दे वर एक्सपेक्टेड दैट दे शुड हैव द हाई मॉरल ऑर्डर्स. फिर शूद्रा को बहुत सारे दे वर सब्जेक्टेड टू वेरियस हैंडीकैप्स. ठीक है, जैसे कि अब नाउ शूद्रास जो थे वो किसी भी रिचुअल्स में पार्ट एज सच नहीं ले सकते थे. ठीक है, उनको नहीं अलाउड था कि वो किसी भी रिचुअल्स में पार्ट लें. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द प्रिविलेजेस एंड उनको यू नो लोवेस्ट एकदम बोल दिया गया, यू बिलोंग टू द लोवेस्ट पोजिशन. मतलब ये तक बोला गया कि जो मतलब लोगों ने ये तक उस टाइम पे ये मिथ फैला दी थी कि जो शूद्रा है वो दे वर इवॉल्व फ्रॉम दी दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द क्रिएटर्स फीट. तो ऐसी चीजें बोली गई. देन शूद्रा जो थे वो उनको एज अ स्लेव की तरह रखा गया. ठीक, स्लेव्स क्राफ्ट्समैन या एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह एंड मीन्स जो भी यू नो ऑफ दी द्विजास मीन्स ब्राह्मण्स और क्षत्रिय और वैश्यास के लेबरर्स थे, स्लेव्स थे वो. फिर रॉयल एजेंट्स एडमिनिस्टर्ड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ इन्फ्लिक्टिंग द हार्श पनिशमेंट जैसे कि स्कॉर्चिंग एक्सिक्यूशन एंड सो ऑन. एंड बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखेंगे तो क्रिमिनल पनिशमेंट्स भी यू नो जो थी वो कंट्रोल की जाती थी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंजेंस. तो ये सारी चीजें महाजनपदास के टाइम पे चलती रहती थी. एक और था कि बहुत सारा और जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्विटीज काफी ज्यादा थी. ठीक, बट यहाँ पे एक फेमिनल कनेक्शंस भी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट था. जो बाद में जो फेमिनल कनेक्शंस था, फैमिली कनेक्शंस जो था वो हमारा बाद में ऑल दो कास्ट सिस्टम में जाके इनकॉर्पोरेट हो गया था. सो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था एंड सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मैंने दोनों बता दिया जनपदास. फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करेंगे, ठीक, तो जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल इकोनॉमी थी, स्टेबल एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, उससे क्या हुआ, उससे प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी, उससे लैंड रेवेन्यू आया, तो उससे नया फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमारा बना. ठीक है, फिर जो कॉमर्स था अमंग्स द जनपदास वो एक्सपैंड होने लग गया थ्रू द गंगा वैली एंड पावरफुल अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स एमर्ज हुए. ठीक, मतलब जब ट्रेड चालू हुआ गंगा वैली के अकॉर्डिंग अराउंड, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा पावरफुल अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स भी पर उठ के आए. ठीक, उसके बाद बहुत सारे जनपदास जो थे वो रिपब्लिक थे, या तो वो एक सिंगल ट्राइब के थे या तो वो कॉन्फेडरेसी थे ट्राइब्स के, एंड उनको एक जनरल असेंबली जिसको परिषद बोलते हैं वो गवर्न करते थे एंड काउंसिल ऑफ एल्डर रिप्रेजेंटिंग पावरफुल क्षत्रिय फैमिलीज या क्लैन. तो बहुत सारे जनपदास जो रिपब्लिक थे उन्होंने अपनी एक अलग ही पूरी असेंबली बना ली. वन ऑफ द एल्डर्स जो थे को क्या करते थे, रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, वन एक एल्डर्स को चीफ इलेक्ट कर दिया जाता था, राजा बोला जाता था या उनको किंग काउंसिल भी बोला जाता था, जो असेंबली को प्रिसाइड करते थे. देन मोनार्कीज जो थी उन्होंने हेरिडिटरी एसेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया एंड उन्होंने क्या किया, ये बोला मोनार्कीज ने कि जो किंग है उनका एक डिवाइन स्टेटस है. ठीक, एंड उनको बहुत सारी इलैबोरेट सेरेमनीज या सैक्रिफाइसेस, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सारे परफॉर्म करना पड़ता था ताकि वो अपने किंगडम को अपने पास रख सके, फॉर हिज स्ट्रेंथ. ठीक है, और टू इंक्रीज देयर माइट, ये सारे वो लोग सैक्रिफाइसेस और सेरेमनीज परफॉर्म करते थे. अब कुछ किंगडम के पास मेन सिटी थी जिसको कैपिटल बोला गया है, तो अब जब वो कैपिटल था वहाँ पे रूलर के पैलेसेस भी थे. अब वो कैपिटल बनाने से क्या प्रॉफिट हुआ कि उनका ट्रेड बढ़ गया. ठीक, अब जब लोगों का ट्रेड, जब उस किंगडम का ट्रेड बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो किंगडम भी अपने में और माइट बना और माइटी बना. सो ये कैपिटल बनाने के पीछे रीजन ये था कि टू इंक्रीज देयर ट्रेड एंड एवरीथिंग. फिर महाजनपदा, क्योंकि अब एक सिटी बनाओगे, कैपिटल बनाओगे, तो लोग उसमें आएंगे, लोग रहने भी आएंगे, फिर लोग अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, तो ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो क्या होगा, टैक्स उनको और मिलेगा. सो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तो इकोनॉमी बूस्ट करी तो किंगडम बढ़ा, तो इसलिए उन्होंने कैपिटल बनाना चालू किया. फिर
ड्यूरिंग द महाजनपदास एक स्टेबल एग्रीगेरियन सिविलाइजेशन जो था जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड रेवेन्यू ये सब एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आया, ये मैंने पहले ही आपको बताया। फिर एग्रीकल्चर को यहाँ पे बैकबोन बोला गया इकोनॉमी का, एंड जिसमें हम लोग 1/10 ऑफ द सोइल यील्ड 1/10 नहीं 1/6 हो गया, यहाँ पे 1/6 जो था वो लैंड रेवेन्यू के तौर पे किंग को देना पड़ता था। ठीक, जो रूलर था मोनार्की में जो रूलर था उस वो एनफोर्स कर सकता था लॉ एंड ऑर्डर बाय पनिशिंग द गिल्टी। तो ये सब उन्होंने फॉलो किया। बिजनेस कंडक्टेड विद इन एंड बियॉन्ड द कंट्री, ठीक, ट्रेड हमारा इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से इनके यहाँ ट्रेड होता था। ठीक, जो यू नो जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने बहुत ही जो बिजनेस था विद इन एंड बियॉन्ड द कंट्री, खारशिपाना या मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, कॉपर या सिल्वर, ठीक है, जिसको जो कॉपर कॉइन्स थे जो फर्स्ट मेटल मनी था वो हमारा इस पीरियड में आया। सो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, मॉनेटरी हो गया, मेटल कॉइन्स के थ्रू मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने लग गया। ठीक, सिल्वर खारशिपाना 1/10 था वैदिक निशक, वैदिक निशक हमारा गोल्ड बोला गया था वैदिक एज में, गोल्ड को निशक बोला गया था, यहाँ पे सिल्वर जो है उसको उन्होंने 1/10 कंपेयर किया वैदिक निशक से, या 146 ग्रेन्स भी हम उसको कंपेयर करते हैं। फिर टैक्सेस जो थे वो हर एक विलेज से क्या करते थे, ये लोग कलेक्ट करते थे, एंड टाउन बाय ऑफिशियल्स जो मोनार्क चूज करते थे, एंड क्या करते थे वो लोग टैक्सेस क्यों कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे और मोनार्क बोलते थे कि हम टैक्स ले रहे हैं, हम इसके बदले हम आपको क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अदर रूलर्स या रॉबर ट्राइब्स या इन्वेडिंग फॉरेन नोमैडिक ट्राइब, इन सब से हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, उसके बदले आप मेरे को पैसा दो। तो ये ऐसा उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलता था। फिर जो रिपब्लिक्स थे यहाँ पे, अब रिपब्लिक्स की अगर बात करें, ये मोनार्कियल सिस्टम की बात करें, अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक में बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स व्यूज थे, बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, और यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था ये स्प्रेड हो रखा था, उनका थॉट प्रोसेस स्प्रेड हो रखा था, तो रिपब्लिकन अपना बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटी मेंटेन करती थी। ये जो रिपब्लिकन थे ये चैलेंज करते थे ऑर्थोडॉक्स वैदिक सोशल ऑर्डर को, ठीक, एंड एक्सक्लूसिविटी वो कास्ट सिस्टम को करते थे, वो कहते थे देयर इज नो कास्ट सिस्टम, ठीक है, एवरीवन आर इक्वल, तो वो इक्वलिटी को एम्फसाइज करते थे, वो बहुत ही रैशनल अप्रोच लेते थे टू सोशल रिलेशन, मतलब जितनी भी डिसेबिलिटीज थी सोसाइटीज में वो उसके अगेंस्ट। This approach appealed to the wealthy as well as the poor because it allowed for social mobility and royal patronage supported missionaries who spread Buddhism over India and abroad. So, इससे क्या हुआ? इससे जो wealthy जो लोग थे, ठीक, as well as जो बाकी के जो थे, वो लोग क्या हुए? वो republics की तरफ आना चालू हुए क्योंकि वहाँ पे उनको as such कोई orthodox नहीं मिला, कोई you know discrimination नहीं मिला, तो वो जो you know mobility उनकी उस side बढ़ी। उन्होंने जो रॉयल पैटर्नेज जो थे, ठीक है, जो रॉयल्स थे उन्होंने मिशनरीज को सपोर्ट करना चालू कर दिया जिससे बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड। प्लस 3rd century BC की बात करेंगे तो जैनिज्म हमारा ऑलरेडी यू नो बहुत सारे पार्ट में पहुंच गया था इंडिया के, एंड जो महाजनपदास थे लेटर वैदिक के, ठीक है, मतलब 700 BC से, वो बहुत ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें संस्कृत एपिक्स की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि महाभारत और रामायण एंड पुराणिक लिटरेचर इतिहास पर्सपेक्टिव से भी जो महाजनपदा थे लेटर वैदिक के, वो काफी उन्होंने अपना यू नो प्रोमिनेंस उनका काफी था, एंड बहुत सारे हिस्टोरिकल डिटेल्स अगर हम देखेंगे महाजनपदा के बारे में वो हमने लिटरेचर से ही लेके रहे। ओके, फिर राइज ऑफ आते हैं राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, ठीक है, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स में अगर हम बात करेंगे तो राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स हमारा क्या हो गया, तो जैसे कि हम IVC की अगर बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें हमें क्या देखने को मिली, ब्लैक रेड वेयर पॉटरीज देखने को मिली, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जिसको हम IVC बोलते हैं। फिर अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिली पेंटेड ग्रे, ठीक, मतलब IVC में देखने को मिली कि ब्लैक रेड वेयर की बैकग्राउंड उनका रेड से होता था या ब्लैक से होता था, और ऊपर वो लोग ब्लैक से वो लोग डिजाइन कर देते थे बनाते थे, तो ये देखने को मिला वैदिक पीरियड में हमको पेंटेड देखी, थोड़ी ग्लॉसी सी पेंटेड सी देखी। अब हमारा 6th century में हमने देखा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेस देखा, ठीक है, मतलब बहुत सी ग्लॉसी सी शाइनी सी पॉटरी हमें महाजनपदा के देखने को मिली। तो ये जो पॉटरीज होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जब हम लोग
नो क्रोनोलॉजी ऑर्डर सेट करते हैं, तो हम पॉटरीज को देख के एक तरीके से क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। तो पॉटरीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्बन मतलब महाजनपदा में हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड देखने को मिला, जो ग्लॉसी शाइनी टाइप पॉटरीज थी। इस और ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेज था, इसी में सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन थी, 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी। कुछ किंगडम को हमने प्रिंसिपल सिटी, जैसे मैंने पहले बताया, जो प्रिंसिपल सिटी थी, अब प्रिंसिपल सिटी कैपिटल की तरह काम करी, तो यू नो ट्रेड बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी, फिर और टाउन्स एमर्ज होने लग गए मिडिल मैग्नेटिक बेसिस में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब जैसे कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, राजगीर, पाटलिपुत्र, चंपा, बहुत सारे टाउन्स हुए। तो जो टाउन्स हुए तो लोग क्या हुए, जो वैदिक लोग थे वो मतलब जो लोग थे वो ईस्ट साइड मूव करना शुरू किए। सैक्रिफाइसेस कम हुआ, तो सैक्रिफाइसेस कम हुआ तो फिर इकोनॉमी बूम हुई, एग्रीकल्चर बूम हुई, एक पूरा मॉडर्न टाउनशिप सेटलमेंट इनका चालू हो गया था। फिर टाउन्स जो था, टाउन्स हमारा एक गुड मार्केट बना आर्टिसंस के लिए भी, मर्चेंट्स के लिए भी। उन्होंने अपने आप को एक गिल्ड्स में, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, उसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या हुए, हेडमैन हुए। 18 ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइज गिल्ड्स मीन्स श्रेणी, एंड हर एक लोग, हर एक श्रेणी क्या थे, मतलब 18 मतलब श्रेणी थी, गिल्ड्स थे, और हर एक श्रेणी एक प्रमुख थे या फोरमैन थे, जिसको हम ज्येष्ठता बोलते थे या एल्डर या श्रेष्ठिन भी बोलते थे या चीफ भी बोलते थे। इट इज एन एरा कनेक्टेड विद अर्ली स्टेट सिटीज एंड इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ आयरन करेंसी डेवलपमेंट एंड सो ऑन। ये जो एरा था उसमें स्टेट्स, सिटीज एंड यू नो आयरन का यूसेज, करेंसी का यूसेज, डेवलपमेंट, करेंसी डेवलपमेंट, ये सब काफी ज्यादा हुआ। सो इसी की वजह से ये भी एक रीजन था सेकेंड अर्बनाइजेशन का। फिर क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स जो थे वो क्या हुए, वो एस्टैब्लिश्ड हुए गिल्ड्स श्रेणी में, जैसे पहले बताया। एंड जब ये गिल्ड्स में हुए, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स हुए, मर्चेंट्स आए, ट्रेडिंग हुई, तो एक बैंकिंग और लेंडिंग का एक सिस्टम भी चालू हुआ, ठीक है। स्क्रिप्ट इशू करने लगे, रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें मिले, मिंटिंग कॉइन्स मिंट करने लग गए, तो जिससे अर्लीस्ट हमारा सिल्वर बेंड बार्स था, देन सिल्वर कॉपर पंच्ड मास, ये सारे हमारे यहाँ पे डेवलप्ड हुए। फर्स्ट कॉइन अगर बोलेंगे तो वो आहत कॉइन था, जिसको हमने पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं, जो सिल्वर या कॉपर से बनता है। एंड ये जो मार्क्स हैं, ठीक है, ऑन देम, ये हमारा स्टैम्प से बनता है, जिसको हम लोग आहत कॉइन्स या पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं। ये कॉइन्स हमारा 6th सेंचुरी BC में मिलता है एंड मॉडर्न पीरियड। अगर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू देखेंगे कॉपर कर्षपाना की, तो क्या है, वो 146 ग्रेन से थोड़ी सी ज्यादा है, या 1/10 ऑफ गोल्ड निशम, जो हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड में। मतलब उस टाइम पे भी आप बोल रहे होंगे, जिस टाइम पे कॉइन्स का चलता था ना, नहीं, जो मेटालिक कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट मेटालिक कॉइन, द कॉइन सिस्टम जो था, ठीक है, वो अगर हम बोलेंगे मेटालिक मनी जो हम बोलेंगे, ठीक, वो स्टार्ट हुई थी इससे, महाजनपदा के टाइम से। ठीक, यूज ऑफ कॉइन्स जो था वो बहुत ही रेगुलर हुआ, और जो सिल्वर कॉइन्स था वो काफी सर्कुलेटिंग लग गया। तो मेटालिक मनी की बात करेंगे तो वो हमारा यहीं से चालू हुआ था। एंड अगर हम जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू है, तो ये जो स्टैंडर्ड वेइंग वैल्यू है वो हम सलवा सूत्रा में पढ़ते हैं, ठीक है, जो सलवा सूत्रा में ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यूज के बारे में, ये जो टेक्स्ट जो डील करता है मेजरमेंट से, वो सलवा सूत्र, ये हमारा बहुत पहले आ गया था, बट जो है ये मेजरमेंट हमारा सलवा सूत्र डील करते हैं। फिर फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी जो थी वो हमारा आयरन क्लॉकशेयर्स पे थी, जिसने प्रोवाइडेड सब्सिस्टेंस नॉट ओनली टू डायरेक्ट प्रोड्यूसर बट आल्सो टू मेनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एग्रीकल्चर, मिलिट्री, हर एक जगह पे। फिर इससे क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ आर्मीज, आयरन की वजह से मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन की वजह से टैक्सेस कलेक्ट हुए, आर्मीज मेंटेन हुए बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये पीरियड में हमने एक और चीज देखा, दैट इज रिटन ट्रेडिशंस। रिटन ट्रेडिशंस हमें इसी पीरियड में देखने को मिला है। अगर हम मेन इनलैंड रूट्स की बात करेंगे तो वो कौन सी हो गई, वो बनारस, श्रावस्ती इनलैंड रूट्स हो गए, ट्रेडिंग रूट्स हो गए, और मेन आइटम्स क्या हो गए थे, सिल्क, गोल्ड, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, ये सब हमारा मेन, जिसमें से सिल्क अगर हम देखेंगे स्वर्ण भूमि की साइड से हमें सिल्क मिलता था।
देन पाली टेक्स्ट में हम बरुच या बरुकच्छा या ब्रोच, सुप्रखा या सुपारा नॉर्थ ऑफ बॉम्बे, ताम्रलिपिट्टी या तामलुक इन वेस्ट बंगाल एंड अदर प्रोमिनेंट पोर्ट्स जो थे वो हमारा एक वाटर बॉर्न ट्रेड था, ठीक, या वाटर बॉर्न कॉमर्स था हमारा इस पीरियड का. बर्मा के साथ जो करता था सिलोन, तम्रापाणी, माल्या, स्वर्ण भूमि जिसको बोलते हैं मलया, या बेबीलोन, इराक, पर्शियन गल्फ एंड अदर कंट्रीज. तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स थे हमारे विद रिस्पेक्ट टू दी इंडियन, विद रिस्पेक्ट टू दी महाजनपदा पीरियड, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स आ गए. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिवर पोर्ट्स की, कुछ रिवर पोर्ट्स भी थे जैसे कि सहाजती सेंट्रल इंडिया में, कौशंबी हो गया यमुना पे, बनारस, चंपा, पाटलिपुत्र, गंगा पे, ठीक है, बनारस, चंपा, पाटलिपुत्र, गंगा पे एंड पटाला हो गया इंडस पे. तो अर्बन सेंटर्स जो था ट्रेडिंग रूट्स की वजह से अर्बन सेंटर्स हमारा डेवलप हुआ, राइज हुआ आयरन की वजह से, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट हुई इन सब चीजों की वजह से. तो एक हमारा ट्रेडिंग सेंटर्स हमारा यहाँ पे इवॉल्व हुआ. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ में आया. कोई भी क्वेश्चन हो सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे रिपब्लिक के बारे में एंड मोनार्कीज के सोसाइटी पॉलिटी के बारे में, अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट.